पंख हमारी एक ऐसी ही पहल है जहां युवा खिलाड़ियों के सपनों को पंख देने की हमारी कोशिश रहती है। बच्चों को कल के लिए तैयार करना हमारे विजन और मिशन का ही हिस्सा है। और बंसल न्यूज़ के ज़रिए जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि ये एक खिलाड़ी हैं रविंद्र करके, इनके बारे में मैंने भी पता किया है और मुझे जानकारी मिली कि एथलेटिक्स में बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किन्हीं मुश्किलों, आर्थिक मुश्किलों की वजह से, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए इन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। बंसल न्यूज़ का ये जो यूनिक इनिशिएटिव है, इसके ज़रिए हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हम कुछ सहायता करके इस बच्चे को और एनकरेज कर सके, किसी तरीके से इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये और ग्रो करेंगे और इनफैक्ट हमारे देश के लिए बहुत अच्छे लॉरल्स ला सकते हैं। मेरा नाम पदम निंगवाल, अलीराजपुर ज़िले से रहने वाला हूँ। मेरा भाई रविंद्र निंगवाल है, वो अलीराजपुर से ज़िले से एथलेटिक्स में वो खेल खेलना चाहता है, खेल खेला है, 5 साल से खेल रहा है, खेल परिसर में रह रहा है, वो टीचर भी है साथ में। जैसे कि वो आगे मतलब कैसे भी करके पढ़ना चाहे और सीएम से मतलब कुछ भी पुरस्कार मिले उससे उसी में पढ़ाई में लगाएगा और उसी खेल में आगे बढ़ना चाहता है। रविंद्र निंगवाल मतलब खेल कूद में पहले से शुरू से स्टार्ट से मतलब जो खेल कूद में वो ज़्यादा ध्यान देता था। वो हम खुद वो उनके भाई है, पापा है, सब कुछ वो खेती बाड़ी करते हैं, हम किसान लोग हैं, तो वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता, वो पढ़ाई में भी ध्यान देता, दोनों में मतलब वो आगे से आगे बढ़ना चाहे, देश को रोशन करना चाहता हूँ।